नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर एक मुस्लिम शख्स ने इसे अपना लिया। शुक्रवार सुबह मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में विधि विधान से इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के लिए विशेष तौर पर मुंबई से महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद जी सरस्वती मंदसौर आए और उन्होंने शेख जफर को कुंडली के अनुसार नया नाम भी दिया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब शेख जफर अपने नए नाम चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से जाने जाएंगे। सुनिए, मुस्लिम से हिंदू बने चैतन्य सिंह राजपूत क्या कहते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी पूज्य स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी मुंबई से पधारे हैं और साथ में आए पंडित जी ने पूरे विधि विधान से मुझे सनातन में प्रवेश करवाया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आदत से प्रभावित है? मैं बचपन से ही था और घर में मंदिर भी है, रोज़ पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिरों पर भी जाता था, पूरा सनातन का ही पालन कर रहा था। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पर जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करके उन्हें जोर जुल्म के या किसी भी तरीके से उनसे धर्म चेंज करवाया होगा, बाकी सब सनातनी थे। नाम भी परिवर्तन किया गया। हाँ, नाम क्या दिया गया? चैतन्य सिंह राजपूत। अब इस नाम से कितना संतुष्ट? मैं पूरी तरह संतुष्ट। कुंडली का निकला हुआ नाम है, कौन संतुष्ट नहीं होगा? अब जो समाज है आपका, वो कहीं ना कहीं अगर विरोध करता है तो? ये समाज के ऊपर है, वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, आजाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ कि मैं किसको किस धर्म को मानूँ किसको नहीं मानूँ। भाई कोई और मानता है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो ये गलत है, मेरी इच्छा है। धर्म परिवर्तन को लेकर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती दबाव वगैरह? नहीं नहीं, ये तलवार से किया हुआ धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरी इच्छा का है, मेरी इच्छा से किया मैंने।